दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे स्क्रब से चेहरे को कैसे चमकाया जाए, किस तरीके से आप चेहरे पर स्क्रब करें तो अच्छा निखार रहे, चेहरा अच्छा ग्लो करे। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक का। चेहरे पर स्क्रब लगाने से पहले चेहरे को धो लेना है। चेहरे पर कोई भी क्रीम या स्क्रब लगाने से पहले आप चेहरे पर पानी मार करके इस तरीके से चेहरे को धो लीजिए, साफ कर लीजिए। चेहरे पर जो भी गर्द मिट्टी लगी हो साफ हो जाए। ये दोस्तों स्ट्रॉबेरी पपाया फेस वॉश स्क्रब। ये पपाया स्क्रब फेस वॉश है स्ट्रॉबेरी का, बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा निकाल करके हाथ हाथ पे पूरे चेहरे पर लगा देना है। ये गुलाब जल, इसके ऊपर से गुलाब जल डाल करके मसाज करना है इस तरीके से। दोस्तों, इस तरह से आपको 5 से 7 मिनट तक का मसाज करना है बढ़िया से फेस वॉश लगा करके। दोस्तों, ये स्ट्रॉबेरी का पपाया फेस वॉश स्क्रब बहुत अच्छा होता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके ऊपर से हम लगाएंगे दोस्तों ये एप्रिकॉट स्क्रब, ये भी स्ट्रॉबेरी का ही है, स्ट्रॉबेरी एप्रिकॉट स्क्रब। इसी के ऊपर से हम लगा देंगे थोड़ा सा निकाल करके। ये भी बहुत अच्छा स्क्रब होता है, मोटे दाने में है। फेस वॉश के ऊपर से स्क्रब लगा करके मसाज करना है। इसके ऊपर से हम डाल दे रहे हैं गुलाब जल। तो इस तरीके से आपको 10 मिनट तक का मसाज करना है हाथ से। और दोस्तों, जितने अच्छे से आप मसाज करेंगे चेहरे पर उतना अच्छा निखार आएगा, चेहरा उतना अच्छा ग्लो करेगा। 10 मिनट मसाज करने के बाद में आपको चलाना है मसाजर मशीन। आपके पास अगर मशीन नहीं है तो आप हाथ से कम 15 मिनट तक का कंटिन्यू करें। 12 से 15 मिनट तक का स्क्रब मसाज किया जाता है चेहरे पर। आपके पास अगर मसाजर है तो आप ज़रूर चलाइए। मशीन चला देने से चेहरे पर निखार आता है, चेहरा अच्छा ग्लो करता है और चेहरे पर जो भी कील मांसों गड्ढे होते हैं धीरे धीरे गड्ढे बराबर हो जाते हैं। जब भी आप स्क्रब मसाज करिए तो मसाजर ज़रूर चलाइए। मसाजर चला देने से मांसपेशियों में जो ब्लड सर्कुलेशन रुका होता है वो सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मसाज फेशियल में मसाजर चलाने के कई फायदे हैं। तो इस तरीके से आपको मशीन चलाना है पूरे चेहरे पर। 3 से 4 मिनट तक या 5 मिनट तक का मशीन चलाइए, उसके बाद में आपको 3 से 4 मिनट तक का हाथ से मसाज करना है। तो गुलाब जल डाल करके हम मसाज करेंगे इनके चेहरे का इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक का और मसाज करेंगे हम। उसके बाद अभी धो करके हम आपको दिखाते हैं कि इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है, चेहरा कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। इस तरह से आप मसाज करेंगे सब जगह, गले पर, मथे पर, गाल पर। दोस्तों, जितने अच्छे से आप मसाज करेंगे चेहरे पर उतने अच्छा चेहरे का निखार आता है। अब हम इनके चेहरे को धुलेंगे इस तरीके से, स्पंज से पोंछ लेना है जो भी चेहरे पर क्रीम मटेरियल लगा छूट जाए। इस तरीके धीरे धीरे छुड़ा लेना है पूरा।
अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि इनका चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है, चेहरा कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। ये देखिए, प्लीज़ वीडियो को हमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। इनके चेहरे का निखार देखिए, चेहरे का ग्लो देखिए। ये देखिए चेहरे का ग्लो देखिए, कितना अच्छा इनके चेहरे पर निखार आया है। बिल्कुल खिल गया है, बहुत अच्छा मसाज हुआ है इनके चेहरे का। इस वीडियो को देखने के लिए